आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी आम का लाछा अचार, जिसे बहुत लोग कुच्चा भी बोलते हैं। यह इंस्टेंट बनने वाला अचार है, इसे आप चटनी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। चटनी और अचार खाने का जायका बढ़ा देता है, तो इसे घर पे जरूर बनाएं। आम का पारंपरिक कुच्चा, जिसे आम का लाछा भी बोलते हैं, उसके लिए मैंने 250 ग्राम आम लिए हैं। उसको छील करके ग्रेट कर लिया है, अच्छे से धो करके इसका पानी सुखा लिया। अब इसमें एक चम्मच नमक, एक चम्मच पूरा भर के नमक और हल्दी, एक चम्मच हल्दी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे और इसको ढक करके धूप में थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, 2-3 घंटे के लिए। मैंने नमक हल्दी में डाल करके धूप में रखा हुआ था, तो इसको शीशे के बर्तन में डाल दूंगी। काला चना लिया है, इसको अच्छे से धो, साफ करके धोना नहीं है, बस ऐसे ही टॉवल से पोंछ लेना है, और इसको मैं आम के अचार में डालूंगी। ये अब आम के लाछा वाले अचार के लिए यहाँ पे मसाला मैं प्रिपेयर करूंगी। इसके लिए मैंने 1 टीस्पून मेथी लिया है, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 पिंच हींग और 1/4 टीस्पून मंगरेल कलौंजी जिसको बोलते हैं, 2 तेज़पत्ता और 5 से 6 लाल मिर्ची। मैंने पैन गरम कर लिया है, ये मसाला बहुत कम है, तो बस मसाले को थोड़ा सा गरम करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ अचार का जब भी मसाला बनाए थोड़ा ज़्यादा बना करके रख ले एयर टाइट डब्बे में, और जब भी आप थोड़ा सा अचार बनाते हैं तो उसमें 1-2 चम्मच मसाले मिक्स कर ले उसी मसाले को, क्योंकि थोड़ा मसाला बनाना थोड़ा टफ होता है। तो मैं यहाँ पे 250 ग्राम आम के लिए मैं ये मसाला यहाँ पे बताई हूँ, जब आप ज़्यादा बनाए तो प्रोपोर्शन थोड़ा बढ़ा ले। मैंने मेथी को थोड़ा सा भून लिया है, सौंफ, जीरा, बस हल्का हल्का सा भूनना है, मिर्ची और तेज पत्ता डाल करके कुछ सेकंड ऐसे घुमा लें और फ्लेम को ऑफ करके इसमें अजवाइन और कलौंजी डाल दो। इसका एक बारीक पाउडर बना लेना है। अब ये मसाला हो गया है ठंडा, अब इसको जार में शिफ्ट कर लेंगे। मसाला बहुत कम है तो इसी में हींग पाउडर, काला नमक, और कश्मीरी मिर्च सबको डाल करके एक अच्छा पाउडर बना ले। ये लाछा वाला अचार, जिसको मैंने नमक और हल्दी में डाल करके धूप में भीगने के लिए रख दिया था, ये लाछा वाला अचार जिसको मैंने नमक और हल्दी में डाल करके धूप में रखा था, इसको जार से बाहर निकालेंगे और मसाला मिक्स करेंगे। ये जब चना अच्छे से पक जाता है तो फिर इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है ये चना को खाने में। इसमें ये मसाला डालेंगे,
तेल डालेंगे। ये करीब मैंने 1/4 के आसपास मैंने तेल डाला है और बस इसको मिक्स करके और बॉटल में भर के इसको खाइए। इंस्टेंट बनने वाला अचार है। सिर्फ चना को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, 10 से 15 दिन लग जाता है। बाकी ये आम तो आप अभी भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो है ना ये इंस्टेंट अचार, आप एक दिन में ये बना सकते हैं। 1-2 घंटे धूप लगाए हैं और ये अचार बना करके पूरे साल आप खा सकते हैं इसको ऐसे ही। तो है ना ये इंस्टेंट बनने वाला अचार। अचार आप जब भी बनाते हैं तो इसको टेस्ट जरूर कर लें, इसमें नमक और मिर्ची ठीक है कि नहीं। बाकी मसाला तो जैसे मैंने बताया वैसे ही डालना है। नमक कभी कभी कम ज्यादा हो जाता है, तो नमक अगर कम हो तो नमक थोड़ा सा और डाल लें। अचार में हमेशा नमक थोड़ा तेज ही रखना चाहिए, इससे आपका अचार खराब नहीं होगा।